नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की देश राज्यों से बड़ी खबरों के साथ। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय के बयान से राहुल का किनारा, कहा सेना पर भरोसा, सबूत की जरूरत नहीं। न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार करना, किरेन रिजिजू बोले सरकार और न्यायपालिका को एक साथ आना चाहिए। एक लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये मुनाफा, कंपनियों ने सारे घाटे की भरपाई कर ली, फिर क्यों सस्ता नहीं हो रहा तेल। गुर्जर आस्था को सम्मान देने 28 जनवरी को राजस्थान पहुंचेंगे मोदी, क्या पायलट की कांच निकालने का है प्लान। राजस्थान के टोंक में बदले बदले नजर आए पायलट, कहा पार्टी के भीतर अनुशासन जरूरी। दिल्ली के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके, 5 सेकंड तक कांपती रही धरती, नेपाल कहा केंद्र। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी, छतरपुर में रिश्तेदार ने दर्ज कराई FIR। 9 साल में खर्चे कई गुना बढ़े, पर IT में छूट का दायरा वही रहा, इस बार क्या बदलने वाला है। सोने की महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार 57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार। बिजली बहाल करने में जुटा पाकिस्तान, ग्रिड सिस्टम को चलाने के लिए नहीं है पैसे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का स्कोर 250 के पार, रोहित के बाद गिल ने ठोका शतक, दोनों आउट। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में हरा निफ्टी लाल निशान पर बंद। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।